भाई बहनों ने आप सभी एनआरसी मतलब पोषण पुनर्वास केंद्र का नाम का तो खूब अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन इना पोषण पुनर्वास केंद्र में हमारा बाड़क न की देखभाल कसी होवज, बाड़क का काई काई खवाड़ज, ई जानना का लेन हम सभी का मन में जिज्ञासा रहज। आओ आज हम आप सभी का लेन चलज पोषण पुनर्वास केंद्र। पोषण पुनर्वास केंद्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित केंद्र छे। ओम अति कुपोषित बच्चा या साधारण भाषा में हम कहें कि बहुत कमजोर बच्चा न को उपचार न देखभाल का लेन राखज। पोषण पुनर्वास केंद्र का स्टाफ में एक डॉक्टर, एक पोषण कार्यकर्ता, एक रसोईया न दुई देखभाल करण वाला अपनी सेवा न प्रदान करज। पोषण पुनर्वास केंद्र 10 से 20 बिस्तर वालों केंद्र छे, जेमा कुपोषित बच्चा न की देखभाल करत। इना केंद्र में एक रसोई घर, शौचालय अरु परामर्श न प्रदर्शन का लेन पर्याप्त जगह उपलब्ध रहज। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुएल बच्चा की माता का भी भोजन दियो जाए। भाई बहन न होनी, पोषण पुनर्वास केंद्र में जन्म से लेन 5 वर्ष तक का बच्चा खा राखंज, जेख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अरु आशा कार्यकर्ता का द्वारा चिन्हित कियो जाए। पोषण पुनर्वास केंद्र में मुख्य रूप से 3 भर्ती नियम न को पालन करज, जो इन प्रकार से छे। MUSC टेप सी बाड़क की बाई भुजा कांधा सी लई न कोहनी का मध्य भाग को नाप लेवज। यम बाड़क की भुजा टेप में लाल रंग में आवज तो यो मान्यो जाए कि बाड़क गंभीर कुपोषित छे। वजन का मान से ऊंचाई न वजन का मान से लंबाई। अरु तीसरी बात या देखज कि बाड़क का पाय नम सूजन रहज। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती का बाद बच्चा ख भूख लगज या नहीं एको परीक्षण करज। यका आधार पर बच्चा ख अलग अलग फेज में 14 से 21 दिन का लेन राखज। NRC में जिस भी बच्चे को हम भर्ती करते हैं वो अति कुपोषित बच्चे को हम भर्ती करते हैं। जो भी बच्चा हमारे यहाँ भर्ती के लिए आता है तो हम उस बच्चों को जांच के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यदि किसी बच्चे को हाइपोथर्मिया यानी उस बच्चे का शरीर का तापमान कम होना, या फिर उस बच्चे को हाइपोग्लाइसेमिया होना यानी शरीर में शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा का कम होना, डिहाइड्रेशन होना यानी शरीर में पानी की मात्रा की कमी होना, उसके साथ साथ यदि किसी बच्चे को एनीमिया रहता है यानी बच्चे के शरीर में HB कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना, इन सब की जांच के लिए हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों का एक्सरे भी किया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र का चिकित्सक केंद्र में भर्ती बाड़क न को रोज परीक्षण करज न उन्नख आवश्यक उपचार प्रदान करज। केंद्र में बाड़कना से संबंधित स्वास्थ्य, पोषण और अन्य जानकारी न ली जाए न इन जानकारी ख रिकॉर्ड में राख। पोषण पुनर्वास केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चा न की मानक कुपोषण से बचाव न देखभाल का संबंध में बतावज। ई छे वंदना बहन जी खालवा NRC में पोषण प्रशिक्षक छे। भर्ती हुए हमारा बाल गोपाल नख सेहतमंद बनावना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका छे, क्योंकि या जीजी अपनी खास देखरेख में नन्हा नन्हा बाड़क न खलेन भोजन तैयार कराड़ज। यहाँ बच्चा ख 3 प्रकार को विशेष भोजन तैयार करी न देवज। यो भोजन इना प्रकार से छे। F75 यो भोजन तरल रूप में होएज, जेमा गाय को दूध या दूध पाउडर, शक्कर, मुरमुरा पाउडर, नारियल का खौना वाड़ो तेल अरु पानी को मिश्रण सी बनावज। बच्चा का वजन का अनुसार उनो भोजन देज। ई असा बच्चा का देज जिनका फेज 1 में राखज न जिनका कोई संक्रमण रहे। F100 यो भोजन भी तरल रूप में होएज, जेमा गाय को दूध या दूध पाउडर, शक्कर, नारियल को खौना वाड़ो तेल न पानी को मिश्रण से बनावट। ई बच्चा ख 1 दिन में 8 बार देज। ई असा बच्चा न ख देज जेख फेज 2 में राखन न जेख कोई संक्रमण नहीं रहे। स्पेशल फीड
यह ठोस भोजन होता है जो भुनी मूंगफली के पाउडर, दूध पाउडर, शक्कर एवं नारियल के खाने वाले तेल का मिश्रण होता है। इना प्रकार से गंभीर कुपोषित बच्चा को विशेष रूप से तैयार करेल भोजन उनका वजन का मान से निश्चित मात्रा में निर्धारित समय पर देयज। तैयार भोजन ख बड़ी सावधानी से लक्ष्मी बहन न शाहिदा बहन बाड़क का वजन का अनुसार नाम ले ले न बाटज। विष्णु 110, विष्णु का 100 110। बाड़क न खूब रोचकता न चाव सी या तरल दूध न ठोस आहार खावज। भाई हमख असो लगज कि यो आहार बड़ो स्वाद वाड़ो छे। दिन निकड़ा से लई न संजा तक 8 बार दियो जानवाड़ो ई भोजन बनाड़ी न बाड़क नख परोसज। अब बारी छे नरस जीजी न की। ई छे पुष्पा जीजी न ई सन्नू बहन। ई दुई जीजी न बारी बारी सी सबई बाड़क नख बड़ा प्यार सी विटामिन ए, एल्बिंडाजोल, मल्टीविटामिन, पोटेशियम क्लोराइड न लोह तत्व वाली दवाई न प्याड़ज। भर्ती हुए कुपोषित बाड़क की मां नख केंद्र में रहना के दौरान कई विषय न पर परामर्श देज, जिनमें स्वच्छता न साफ सफाई, टीकाकरण, स्तनपान, संक्रमण से बचाव, बच्चा में पोषण संबंधी देखरेख अरु परिवार नियोजन का बारे में भी बतावज। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती हुए बाड़क की माँ का कम कीमत का यानी सस्ता पोषक भोजन बनाने सिखाड़ज। तपेली के अंदर चावल, मूंग की दाल, सारी सब्जियां डाल देना है ना, और नमक को ही डालेगा, ठीक है? यहाँ पे नमक डाला क्या? नहीं डाला ना मैंने नमक। यहाँ पे नमक नहीं डाल देना तो घर पे मत डालना, ठीक है? और ऐसे ही दलिया बना के बच्चों को देना, और तपेली में देखना, और जब तपेली में तुम लोग बनाओगे खिचड़ी या दलिया तो थोड़ी देर बाद देखना कि चावल पका कि नहीं पका, दलिया पका कि नहीं पका। पोषण पुनर्वास केंद्र से डिस्चार्ज या छुट्टी होना के बाद 15-15 दिन का अंतराल पर होना वाला 4 फॉलोअप पर आना का लेन समझाइश देज। जी संभवतः हर महीना की 15 न 30 तारीख का NRC में करज। पोषण पुनर्वास केंद्र में फॉलोअप कराना बहुत जरूरी रहे, इनका बिना बच्चा का स्वस्थ नहीं मानज। 4 बार आओगे तुम तो हम यहाँ इसका वजन लेंगे, तुमको दवाइयाँ देंगे, है ना? यहाँ पे तुमको पौष्टिक चूरा मिलेगा, है ना? ये पता लगाएंगे कि तुमने घर पे इसका ध्यान दिया है कि नहीं दिया, है ना? और यहाँ से जाने के बाद तुमको आंगनबाड़ी जाना है, आंगनबाड़ी में हर मंगलवार वजन होता है बच्चे का, तुमको वहाँ पे जाके वजन करवाना अपने बच्चे का, है ना? ये चेक है ना, इसको तुम कहाँ जमा करोगे, तुम्हारे खाते में जमा करना है। मानक मजदूरी का मुआवजा का रूप में 70 रुपया प्रतिदिन का मान से कुल भर्ती दिन की राशि दी जाए। इना केंद्र में भर्ती हुए बाड़क का साथ में उनकी माँ को रहनो जरूरी छे। इसकी छुट्टी हो गई, घर जाने के लिए मैं दवाई पिलाने के लिए दे रही हूँ, इसको रोज पिलाना, हाँ। सुबह शाम तीन गुल सुबह, 3 गुल शाम को खाना खाने के बाद देना, ठीक है? ये विटामिन की दवाई है और ये सर्दी खांसी की दवाई है। अगर सर्दी खांसी रहती है बच्चे को तो सुबह आधा नक्कम, शाम को आधा नक्कम खाना खाने के बाद, हाँ। और ये वाली रोज पिलाना, खत्म हो जाए फिर आ जाना 15 दिन बाद और आना है फॉलोअप के लिए। पोषण पुनर्वास केंद्र से छुट्टी का मुख्य आधार बच्चा का दुई पांव नम पिछला 10 दिन से सूजन नहीं होनू, बच्चा का बराबर भूख लगनू, बच्चा का निर्धारित मात्रा में दियल भोजन को 80% खानू और कोई भी अन्य चिकित्सकीय समस्या को नहीं होनू। इन कार्यक्रम से छुट्टी होना का मुख्य आधार भी छे। बच्चा का दुबई पाए नम सूजन को नहीं होनु, केंद्र में भर्ती कराड़ेल दिन से या सूजन उतरने दिन को वजन से 15% बढ़नु और कोई भी अन्य चिकित्सकीय समस्या नहीं होनु। जब उनको हम एडमिट करते हैं तो जो उनका वजन रहता है उसका 15% वेट हमारा बढ़ना चाहिए, हमारा गोल रहता है बेसिकली। तो हमारे क्षेत्र में करीबन करीबन 6,000 बच्चे मध्यम श्रेणी में आते हैं, वो 6,000 में से 435-440 बच्चे में जैसे अति कुपोषित की श्रेणी में क्या लगनी खा लो आप। NRC में क्या हम लोग बच्चों को भर्ती करते हैं, उन बच्चों में से लगभग 80% बच्चे वेट गेन कर लेते हैं,
और जब चार फॉलोअप हम लेते हैं उनका 15-15 दिन के अंदर, तो फॉलोअप में उनका वेट और वेट हम एक्यूट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि वो बच्चा प्रोग्राम से बाहर हुआ या नहीं हुआ। खंडवा जिला में पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल खंडवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसूद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खालवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छेगांव माखन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोशनी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंदी में छे। अपनावना वाला बिंदु अति कुपोषित बाड़क नख एनआरसी में भर्ती करज। अति कुपोषित बाड़क नख एनआरसी में 14 या 21 दिन का लेन भर्ती करज। एनआरसी में अति कुपोषित बाड़क का साथ उनकी माँ न की भी रहना न खावना की व्यवस्था रहज। बाड़क न का समय समय पर डॉक्टर जांच करज न विशेष रूप से तैयार भोजन देज। माँ का भर्ती दिन की मजदूरी राशि दी जाज। एनआरसी से छुट्टी का बाद बाड़क 15-15 दिन का बाद 4 फॉलोअप का लेन बुलावज। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद से बाड़क एनआरसी ले जायो जाज।